आशीर्वाद दिया। कितना बेस बोल रहा है। ये रजवाड़ी पॉपकॉर्न भैया जिसके प्रोपराइटर हैं भैया श्री राजेश कश्यप जी, आपकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोरस वालों का बेस कट जाए भैया थोड़ा थोड़ा तो बेस हटा दो, इनको बहुत बेस है इनमें, केवल बेस हटाना बाकी कुछ ना हटाना। हेलो हेलो, हमारी आवाज बढ़ जाए तो बढ़ा दे, बढ़ जाए तो। हेलो हेलो हेलो, संजय भैया ठीक आ रही है वॉइस? हमारी आ रही संजय भैया। हेलो, आइए यहीं से जिसका सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हाँ, यही से जवाबी का कार्यक्रम शुरू होता है। और का, क्योंकि वंदना में तो कोई प्रश्न भी नहीं होता है। आइए, जैसा कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बम्बई वालों ने एक बहुत सुंदर सा गीत गाया है, संतोषम परम सुखम। तो फिर कोई बात, हम बहुत संतोष कर आदरणीय बड़े भैया लालन भैया जी, प्रथम गीत आप सुने। गीत कहता है, अरे मेरे दिल जाने मेरे माही मेरे ढोल ना, और धन्यवाद देती हूँ अपने भूपेंद्र भैया को जो इतनी दूर से आप हम लोगों के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और वहाँ से आप लोगों ने हम लोगों के लिए जो पुरस्कार भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गीत मेरी ओर से सुनिए। अब देखिए, आज हम लोग संत रविदास जी की 660वीं जयंती मना रहे हैं। 660। आइए गीत मेरा शुरू होता है और कहना पड़ा मुझे क्या क्या बेटा, धरा धाम आते
निवेदन है आप लोगों से, धरा धाम आते हैं हम लोगों के लिए आते हैं, और कैसे आते हैं आप लोगों से निवेदन है, हमारे गीत पर ध्यान दीजिएगा। धरा धाम आते संत कल्याण करने, धरा पर आते हैं संत कल्याण करने के लिए, इसलिए कहना है क्यों, धरा धाम आते संत कल्याण करने, तप महान करने, गुरु में ज्ञान भरने। एक माइक बंद हो गया, सुनेगा ये देखिए, एक विकेट भी लिया इसको, उठाइए। हेलो हेलो हेलो, इनकी आवाज हमारे में। अब देखिए कैसे आप अपने ड्यूटी कर रही है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हरी लीड है, हरी लीड। करा ले नया कुछ आभास आए, जिनके चरणों की धूल नहीं हुई, लेकिन निवेदन है आप लोग सुने, देख लीजिए भैया, यही है। हरी हरी भैया, हरी हरी, ये वही से हो कराने नया कुछ आभास आए, खास बात दिन रविवार को रविदास आए, दिन रविवार था जिस दिन रविदास जी का जन्म हुआ, तो माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को आए सुच ज्ञान भरने, तप महान करने, दुख निदान। जा प्रभु का ध्यान है, संत रविदास जी का एक ही कार्य था और कहना था जनमानस से, क्या कर्म को ही पूजा समझा, कर्म ही प्रधान, कर्म ही महान है, कर्म करके फल की इच्छा करना दीन ज्ञान है। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, वो जरूर देंगे, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, और जब ऐसा कह दिया तो मुझको कहना पड़ा। लग के संतन को लगते सबके पाप जलने, तप महान करने, उर्मे ज्ञान भरने। आइए तीसरी बात सुनेंगे आप लोग। शिष्य रामानंद के ये परम सुची संत थे, बाबा भोले बाबा देव का देव।
26 बसंत थे, 126 आयु तक इन्होंने संसार को देखा और उसके बाद पंच तत्वों में विलीन हो गए। पिया ज्ञान सीधा साधा जिस पर न दंगा है, मन अगर है चंगा तो फिर कठौती में। इसलिए मुझे कहना है धरा धाम आते, धरा धाम आते संत उत्थान करने, ज्योतिमान करने उर्मे ज्ञान भर। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 भैया हेलो 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 चेक 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 हेलो। इसको भी कम कर दिया देखो। हेलो 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 अपनी गाय तो क्या करें, माइक भी लेके चले क्या करते हैं, अपनी बात कर रहे हो तुम, ये व्यवस्था देखने में क्यों चोर हो रही है, अब गाना शुरू करो। जिसको देखो एक एक काम बंडा, गाना शुरू करो, गाना शुरू करो। जितने लोग मौजूद हैं बैठ जाएं आप। चलिए माँ की वंदना का चक्र लेता हूँ और दो शब्द माँ के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। जूता उतार गया क्या, उधर भी चेक होने लगे, अब उधर न चेक करो यार, इधर चेक रहे लगे। चलिए, अरे दिल लगा लिया है, एक गीत आया है,
दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके इकरार करके तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे कि धरा धाम आते और धरा धाम आते संत कल्याण करने तब महान करने उर्मि ज्ञान धरने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डायरेक्ट जवाबी से जोड़ रहा हूँ, वंदना हमारी हो गई, अब मैं जवाबी से जोड़ रहा हूँ। आपने बढ़िया गीत दिया है और एक अच्छे गीत का जवाब क्या हो सकता है, सिर्फ विचार ही किया जा सकता है। आदरणीय रिंकी जी, आपने बढ़िया आज संत रविदास का 660वां जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है, क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा हूं और 1437 संबत समय वो सुहाना था। मैं वो सुहाना था और प्रगटे महान संत पद लाव लाना था। अब बदलाव क्या लाना था, संत रविदास को एक बहुत बड़ा बदलाव लाना था। यहाँ का विद्वान जनमानस सुन रहा है, और बदलाव था क्या कि छुआ छूत भेद भाव जड़ से मिटाना था। धन्यवाद है, आप सबकी तालियों को प्रणाम कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब उनको बदलाव, इनको महाराज जी को बदलाव लाना था क्या, छुआ छूत भेद भाव जड़ से मिटाना था। थे पथ उन्हें दिखाना था। तो पुरस्कार बाद में बोलेंगे, हमारे पास पुरस्कार आपका एडवांस में रखा है, और इसकी शंका मत कीजिए कि आपका पुरस्कार बोला नहीं जाएगा, बोला जाएगा लेकिन समय देख के बोला जाएगा। अब बाबा को अरे छुआ छूत भेद भाव जड़ से मिटाना था, और भटके हुए जो जन थे पथ उन्हें दिखाना था। तो और सबको भाव को भाग गए हैं और संत उपकार करके तम विकार हर के सदाचार करके लेकिन एक बात मैं आज पिनकी के प्रांगण में रिंकी जी कह रहा हूं क्या, अरे उनकी दया की मिली अनेकों कहानी है।
आज वो निशानी है, आज वो निशानी है। और जो इन पर विश्वास नहीं करते थे, अरे उनकी संतता पर विश्वास नहीं था लोगों को, तो उनके लिए अरे पाखंडी मान गए संत पूर्ण ज्ञानी है। संत पूर्ण ज्ञानी है और संत की परीक्षा हुई तो तैराया पत्थर तब भी हुए पानी पानी है, तो अर पथ दिखा गए बाबा, अर पथ दिखा सहयोग कर रहे हैं। आपका साउंड सही चल रहा है, अब इसको छेड़िए नहीं, बस इतने में चल लीजिए, रात पूरी हो जाएगी। हाँ ठीक है। इसलिए अर पथ दिखा गए हैं, अर ये पथ दिखा गए हैं, और सरल व्यवहार करके और तम विकार हर के सदाचार इस मंच पे मैं शायद गलत काम कर रहे हो, सजा तुम्हें को मिलेगी, ये समझ लेना। अगर उंगली की तो हमने उंगली कर दी तो फिर राज पर संभाल नहीं पाओ। हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, तुम उसमें बदमाशी कर रहे हो। मास्टर न बनो, जितना चल रहा है उतना चले दो। और अगर तुमने जरा भी सीटी वाला काम किया, परेशान तुम हो गए, हमको कोई मतलब नहीं। एक घंटा परेशान हुए तब सिस्टम बना, ये समझ ले। अगर कहीं उंगली करी तो उंगली हो जाएगी। आगे बात देखे, और पिनकी की पावन भूमि ये मंदिर रविदास का, अपने कानपुर फतेहपुर उन्नाव इतने जिले हैं बांदा, लेकिन जितना बढ़िया और खूबसूरत मंदिर बिनकी में है, ऐसा मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलता है। और किसका ए बिनकी की पावन भूमि मंदिर रविदास का, और बना जो प्रतीक सबके आस भी विश्वास का, और यहां मेरी समझ से बहुत दिन से जवाबियां हो रही हैं, तो भक्तों की अटूट श्रद्धा इस अथक प्रयास का, और जयंती का पावन अवसर आया उल्लास का, तो हम भी आ गए, आप नहीं आ गए, अरे हम भी आ गए हैं, अरे अंदर पे आ गए हैं, और मन को अपने वार करके और कुछ विचार करके दीदार कर, प्रेम से